वेलकम टू द विकी सिमार। थोर की फोर्थ सोलो मूवी थोर लव एंड थंडर 8 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है, जहां कुछ ही टाइम में इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा, जिसमें हम थोर की नई जर्नी को देखेंगे और एक नई फीमेल थोर से मिलेंगे। थोर 4 मूवी से रिलेटेड इंटरनेट पे कुछ लीक्स भी आए हैं, जहां हम थोर, जेन फोस्टर, गॉड द गॉड बुचर और वैल्करी के फर्स्ट लुक को देख चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में थोर लव एंड थंडर मूवी से रिलेटेड इन लीक्स, रूमर्स और जो कुछ भी हमें पता होना चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। थोर को आखिरी बार हमने अवेंजर्स एंड गेम में देखा था, जहां एंड गेम की फाइट के बाद थोर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है और वैल्करी को न्यू एसगार्ड की रानी बना देता है। अब इससे आगे थोर के साथ क्या हुआ, ये हमें थोर लव एंड थंडर मूवी में दिखाया जाएगा। अब मूवी की सेट इमेजेस से हमें ये पता लग चुका है कि थोर एंड गेम की तरह मोटा नहीं होगा, बल्कि वो पहले से ज्यादा मस्कुलर है और फिट हो जाएगा। साथ ही थोर को एक नई आउटफिट भी दी जाएगी, जो मूवी में कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये कॉस्ट्यूम कॉमिक्स से रून किंग थोर की कॉस्ट्यूम है और रून किंग कॉमिक्स में थोर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, जहां रून किंग थोर सेलेस्टियल और गैलेक्टर्स को बिल्कुल आसानी से हरा सकता है। हालांकि थोर को इतना पावरफुल बनने के लिए अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब जब एमसीयू में थोर को इस लेवल की पावर दी जा रही है, इसका मतलब थोर की कहानी काफी सैड है और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कॉमिक्स में भी थोर के रून किंग बनने से पहले के हालात काफी बुरे होते हैं। लेकिन थोर को कॉमिक्स की सबसे पावरफुल फॉर्म में देखना काफी जबरदस्त होगा। एमसीयू में इससे पहले हमने कैप्टन अमेरिका को एंड गेम में अपनी हायर फॉर्म में देखा था, साथ ही हाल ही में हमने वांडा विजन में वांडा को स्कारलेट विच की फॉर्म में देखा, और उसी तरह थोर को भी अपनी हायर फॉर्म में देखना काफी एपिक होगा। खैर, अब थोर के बाद बात करते हैं जेन फोस्टर यानी माइटी थोर की। जेन फोस्टर को आखिरी बार हमने 2012 की थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी में देखा था, और 2019 के कॉमिक कॉन में टाइका वाइटिटी ने कंफर्म कर दिया कि जेन फोस्टर थोर 4 में रिटर्न करेगी और वो थोर के हैमर को उठाकर माइटी थोर बनेगी। 2014 की कॉमिक्स थोर इशू 1 में हमने पहली बार जेन फोस्टर को एज ए थोर देखा था, जहां जब निक फ्यूरी की वजह से थोर अनवर्दी हो जाता है और वो हैमर को नहीं उठा पाता, तो उसके बाद जेन फोस्टर उस हैमर को उठा लेती है और माइटी थोर बन जाती है। और इस कॉमिक्स में लंबे टाइम तक थोर ये नहीं जान पाता कि नई थोर कौन है। अब इस तरह जेन फोस्टर कॉमिक्स में थोर बनती है, लेकिन मूवी में कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, जहां जेन फोस्टर के फर्स्ट लुक से हमें ये पता चल चुका है कि जेन फोस्टर थोर के टूटे हुए हैमर को जोड़कर उसे उठाएगी और फिर थोर बनेगी। साथ ही कॉमिक्स के अंदर जेन को कैंसर होता है और जैसे जैसे वो थोर के हैमर को उठाकर माइटी थोर बनती है, वैसे ही वो और ज्यादा बीमार होने लग जाती है। अब अगर एमसीयू की बात करें तो अभी तक जेन फोस्टर के कैंसर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मूवी में भी कॉमिक्स की तरह जेन को कैंसर हो सकता है, क्योंकि थोर द डार्क वर्ल्ड से लेकर अवेंजर्स एंड गेम तक जेन फोस्टर के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। तो जेन ने इतने लंबे टाइम तक थोर के बिना क्या किया और उसे टूटा हुआ हैमर कैसे मिला, ये सब हमें थोर 4 में बताया जाएगा। इसके अलावा जेन फोस्टर का फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुका है। तो अब दोनों थोर के बाद बात करते हैं मूवी के मेन विलन गोर द गॉड बचर की। मार्वल ने क्रिस्टियन बेल को हायर किया है गोर द गॉड बुचर को प्ले करने के लिए। कॉमिक्स में गोर 3000 साल पहले एक प्लेनेट पे अपनी फैमिली के साथ रहता था, और इस प्लेनेट की हालत बहुत बुरी होती है, इसलिए धीरे धीरे भुखमरी और अर्थक्वेक की वजह से गोर की पूरी फैमिली मारी जाती है। और ये सब जब हो रहा होता है तो गोर अपने भगवानों से प्रेयर करता है कि वो उसकी फैमिली को बचा ले, लेकिन गोर की फैमिली मारी जाती है, जिससे गोर मन ही मन भगवानों से नफरत करने लग जाता है। और एक दिन जब गॉड ऑफ सिम्बियोट नल और गोल्डन आर्मर गॉड आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये दोनों गॉड फाइट करते करते गोर के सामने घायल होकर गिर जाते हैं, जहां गोल्डन आर्मर गॉड गोर से मदद मांगता है, लेकिन गोर नल की नेक्रोसवॉर्ड को लेकर उसे मार देता है। और नेक्रोसवॉर्ड से गोर को पावर्स भी मिल जाती है, जिसके बाद से वो एक एक करके सारे गॉड्स को मारने लगा और गोर द गॉड बुचर के नाम से फेमस हो गया। और गोर यूं ही गॉड्स को मारते मारते एक बार थोर से भी मिलता है। अब ये एक शॉर्ट ओरिजिन स्टोरी है गोर द गॉड बुचर की, लेकिन कॉमिक्स में गोर थोर का वन ऑफ द बेस्ट विलन है। वैसे कॉमिक्स में थोर को टाइम ट्रेवल तक करना पड़ता है गोर को मारने के लिए। अब एमसीयू में गोर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो हमें नल और बाकी गॉड्स के बारे में भी जरूर पता चलेगा। हालांकि जब गोर मरता है तो उसके बाद जेन फोस्टर माइटी थोर बनती है, तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी के अंदर जेन फोस्टर गोर द गॉड बुचर से मिल पाती है या नहीं। वैसे क्रिस्टियन बेल के गोर की कॉस्ट्यूम का एक इमेज लीक हो चुका है, जिसे देख के लग रहा है कि गोर की कॉस्ट्यूम को प्रैक्टिकल है और CGI दोनों तरीके से दिखाया जाएगा। अब थोर, माइटी थोर और गोर के अलावा बात करें तो इस मूवी में वैल्करी भी दिखेगी, जिसका भी फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। वैल्करी को भी एक नई कॉस्ट्यूम दी जाएगी
साथ ही रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें गार्डियंस के कुछ मेंबर भी इस मूवी में दिखेंगे, जैसे पीटर क्विल, रॉकेट और ग्रूट। साथ ही पीटर डिंकलीज का इटरी भी इस मूवी में रिटर्न कर सकता है। ऊपर से कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग न्यू एसगार्ड जो कि अर्थ पर है उसके बारे में भी काफी कुछ बताया जाएगा और एसगार्ड के पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में दिखाया जाएगा। अब इसके अलावा एमसीयू में थोर को हम लोकी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई भी लीक या रूमर्स नहीं आया है कि लोकी थोर 4 में है या नहीं, क्योंकि पहले तो मेन टाइमलाइन का लोकी मर चुका है और 2000 वाला फिलहाल कुछ ज्यादा ही बिजी है, तो शायद ये पहली बार होगा जब थोर की मूवी में हमें लोकी नहीं दिखेगा। सो ओवरऑल थोर लव एंड थंडर मूवी थोर और एमसीयू दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मूवी क्रिस हेम्सवर्थ के थोर की जर्नी को एंड भी कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मूवी एमसीयू में कुछ बड़े बड़े बींग्स को इंट्रोड्यूस करवा सकती है, तो ये मूवी आगे के इवेंट्स पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। सो अब इन दी एंड थोर लव एंड थंडर के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमर एंड यू वॉचिंग द विकी सिमर।